दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हाय, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। 23 अप्रैल की शाम अचानक से विकी कौशल ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने मुंबई पुलिस को भी टैग कर रखा था। विकी ने यह बताया कि उनके खिलाफ कुछ फर्जी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उनका शब्दशः जो ट्वीट है वो हम आपको पढ़ा देते हैं। उन्होंने लिखा कि कुछ निराधार अफवाहें चल रही हैं कि मैंने लॉकडाउन तोड़ा और मुझे पुलिस ने धर लिया। जब से लॉकडाउन वैसे शुरू हुआ है, मैंने अपने घर से बाहर पांव तक नहीं रखा। लोगों से मेरी गुजारिश है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। पहली बात कि ये जो ट्वीट है वो अचानक से नहीं था। 22 अप्रैल की शाम एंकर और कंटेंट क्रिएटर जैनिस स्क्वेरा ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि उभरते हुए मेल एक्टर ने चुपके से अपनी स्टार गर्लफ्रेंड के घर में घुसने की कोशिश की, मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया, लेक्चर पिलाया सो अलग, आप हमारे लिए वीडियोज बना रहे हो और आप ही रूल्स तोड़ रहे हो, 10,000 का फाइन प्लीज। शायद विकी कौशल का इशारा इसी ट्वीट की ओर था। जैनिस ने अपनी ट्वीट में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन गेस करके कई लोगों ने उस ट्वीट के कमेंट सेक्शन में विकी का नाम लिख दिया। दूसरी चीज ये कि जैनिस की लिखी इस बात का कोई सबूत नहीं है, इसलिए आंख मूंद कर उसे पूरी तरह सच नहीं माना जा सकता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब जैनिस ने विकी का नाम ही नहीं लिया, तो फिर विकी ने ट्वीट करके उस मसले में अपनी टांग क्यों उड़ा दी। अब देखिए, जैनिस को ट्विटर पर 21,000 लोग फॉलो करते हैं और विकी को 4.5 लाख के अराउंड फॉलो करते हैं लोग। तो जितने लोगों को ये बात जैनिस के ट्वीट से नहीं पता चलनी थी, उससे ज्यादा तो विकी के ट्वीट से पता चल गई। बहरहाल, विकी कौशल आखिरी बार भूत द हॉन्टेड शिप में नजर आए थे आपको, जो कि बुरी तरह से पिट गई थी। कोरोना से निपटने के लिए उन्होंने पीएम केयर्स फंड में 1 करोड़ रुपया भी डोनेट किया है। साथ ही वो लगातार अपने परिवार के सदस्यों के साथ सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें, पोस्ट, वीडियोज शेयर कर रहे हैं, काफी प्यारे लग रहे हैं। और आने वाले दिनों में विकी कौशल अश्वत्थामा नाम की सुपर हीरो फिल्म और फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ की बायोपिक में नजर आने वाले हैं। बाकी आपको कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में जरूर कहें। कमेंट सेक्शन खुला है सिनेमा की और अपडेट्स के लिए। आप यहीं बने रहें और लॉकडाउन का पालन करें। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।